हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लगाने वाली हूँ मैक नेल कलर नेल पेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक ब्रांडेड नेल पेंट है और ये पावर लास्टिंग है। सबसे पहले क्या करना है, सेक वेल बिफोर यूज़। सबसे पहले शेक करना है, उसके बाद फिर यूज़ करना है इसका। अप्लाई टू कोट्स फॉर ट्रू कलर। इसका सही कलर चाहिए तो हमें टू कोट्स अप्लाई करने होंगे अपने नेल्स में, लॉन्ग नेल्स में। और मेरी जो लॉन्ग नेल्स हैं, सबसे पहले तो मैं नेल पेंट रिमूव करूँगी क्योंकि मेरे हाथों और पैरों में लगा हुआ है नेल पेंट, ये देखो। तो सबसे पहले मैं अपना नेल पेंट रिमूव करूँगी और ये स्काई कलर का, लाइट स्काई कलर का ये नेल पेंट मैंने लगाया हुआ है पहले से। और ये है कॉटन पैड जिसकी हेल्प से मैं अभी नेल पेंट रिमूव करूँगी। मैं हमेशा इसी की हेल्प से नेल पेंट रिमूव करती हूँ। ये लोकल मार्केट में 35 रुपीज़ के अंडर में ही आ जाता है। और जो मैं मैक का नेल पेंट लगाऊंगी वो 1 मिनट में सूख जाता है, ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है 1 मिनट ड्राइंग, बट 3 से 4 घंटे भी हो जाएंगे तो ये नेल पेंट सूखने वाला नहीं है। इतना मोटा है ये, इतना थिक है। कुछ कुछ नेल पेंट इतने थिन होते हैं कि लगाओ तो फटाक से सूख जाते हैं, बट ये इतना थिक है ना, लगाओ और कहीं सटा बस छूट गया आपका नेल पेंट। मैं तो परेशान हो गई थी। तो अभी मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। मैं थिनर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही कॉटन पैड्स जो आते हैं, ये है नेल पॉलिश रिमूवर रोज़ फ्लेवर का स्टील पैरिश। मेरे नेल्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गए हैं और फ्रेंड्स, मैंने पहना हुआ है अपना पतला सा सिल्वर पायल। और इसके पहले जो मैं डेली वेयर में पायल पहनती थी वो मैंने फेंक दिया क्योंकि उसका निकल गया था घुंघरू। और ये नया मैंने पायल निकाला है, इसको मैं डेली वेयर में पहनूंगी क्योंकि ये पतला है, हल्का है और भारी नहीं लगता है, मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए इसको मैं डेली यूज़ के लिए निकाल दी हूँ ये वाला पायल। जब तक ये चलेगा ये हमेशा मेरे पैरों में रहेगा। और मैं अभी नेल पेंट लगाने वाली हूँ। वैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि मेरे नेल्स जो थे वो टूट गए थे, मतलब टूटे नहीं थे, उसमें बोतल गिर गया था तो चोट लग गया था मेरा नाखून में। वो अंगूठा वाला नाखून है ना, उसके बगल वाले जो उंगली है वहीं पर गिर गया था, जिसमें अभी मैं सबसे पहले नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ वो थोड़ा सा मुड़ गया है, बट अभी है सही सलामत मेरे पैरों में। तो आप लोग तो देख ही रहे हो, वो हल्का सा मुड़ गया है चोट लगने की वजह से, बाकी फ़िलहाल जो दर्द था वो ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं लगा रही हूँ अपने लॉन्ग नेल्स में नेल पेंट। नेल पेंट लगाते लगाते लगता ना कि मेरा नेल पेंट ख़त्म हो जाएगा, लंबे लंबे नाखून हो गए ना। वैसे तो हाथों वाले और पैरों वाले भी मैंने कट किए ही थे, वो तो वीडियो मैंने लाया ही था, सारा लंबा नाखून तो मैंने काट दिया था, बट फिर भी इतना जल्दी बढ़ गया ना, क्या बताऊँ। अब फिर से कटिंग करना है मुझे, कटिंग करके सारा छोटा छोटा कर लूँगी, अंगूठा वाला भी और सारा ही नाखून छोटा छोटा कर लूँगी। ये लास्ट नेल पेंट लगा रही हूँ मैं मैक का। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैं सोची कि ये नेल पेंट मैं लगाती हूँ। और इसका प्राइस लगभग 180 रुपीज़ है, क्योंकि ये ब्रांडेड नेल पेंट है तो ये आपको सस्ता में तो मिलने वाला है नहीं। मैक का बहुत सारा जो भी प्रोडक्ट है वो महंगे महंगे आते हैं, मेकअप में भी बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं मैक के, बहुत महंगा है ये ब्रांड। लेकिन फिर भी नेल पेंट 180 रुपीज़ में आ गए हैं तो मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ, फिर मैं अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। आई होप आप सभी को ये कलर प्यारा लगेगा मेरे पैरों में। और मैं इसको डबल कोट लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसका सही कलर चाहिए, इसमें लिखा हुआ तो मैं तो डबल कोट लगाऊंगी ही, वैसे तो लगाती ही हूँ।
प्रोफेशनल सैलून फार्मूला, प्रोफेशनल सैलून्स में ऐसे ही नेल पेंट लगाते हैं, और प्रोफेशनल सैलून्स में मेक का बहुत सारा ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है। मैं भी खुद रखती हूँ महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मेकअप के, तो मुझे तो पता है मैक का प्रोडक्ट अच्छा आता है, चाहे इसका फाउंडेशन हो या नेल पेंट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। मैंने एक कोट लगा लिया है अपने पैरों में नेल पेंट, और अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। सिंगल कोट में कलर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और डबल कोट में और भी प्यारा कलर आने वाला है। और मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई थी लेगिंग्स के साथ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने लेगिंग्स पहना हुआ है और मैंने बिछिया जो पहना है ये मेरी मम्मा ने मुझे पहनाया था, वही मैं अभी तक पहनी हुई हूँ, इसको मैंने खोला नहीं है। और जो मेरे उंगली में चोट लगा था ना, तो वो उंगली फूल गया था, फिर भी उसको मैं पीछे का कर दी थी, उंगली से हल्का पीछे कर दी थी, बहुत पेन हो रहा था, बट मैं उसको खोली नहीं हूँ। जब ये टूटेगा तभी ये खुलेगा भी, क्योंकि मम्मी इतने प्यार से मुझे पहनाई है मेरे पैरों में, तो मैं इसको खोल करके नहीं निकाली हूँ। बहुत दिनों से मैं यही बिछिया पहन रही हूँ, मेरी मम्मी का दिया हुआ बिछिया है। और मैंने कुछ दिन पहले आलता लगाया था, तो मेरे पैरों में पिंक आलता लगा हुआ है, हल्का हल्का सा, छूटा नहीं है, जल्दी छूटता नहीं है ना, उसका कलर नहीं जाता है जल्दी, उसको छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि मैंने बहुत उसको छुड़ाने का कोशिश किया। मेरा हाथों का जो नेल्स है वो छोटा छोटा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कट किया था, बट ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो रहा है। आप ये नेल पेंट लगा के धूप में भी बैठ जाओगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, आपका हाथ काला हो जाएगा, पैर काला हो जाएगा, लेकिन नेल पेंट मजा ले कि सूख जाए लेकिन कलर अच्छा है और नेल पेंट जल्दी नहीं छूटता है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो बात है, लॉन्ग लास्टिंग है इसका। जैसे हम लोग मेकअप का प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं ना, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी छूटता नहीं है, मेकअप जल्दी ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा देर तक चलता है, इसीलिए तो हम लोग प्रोफेशनल सैलून्स में मैक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपनी, ये ब्रांड बहुत ही अच्छा है। और ये नेल पेंट का कलर 20 नंबर है, यदि किसी को लेना हो तो वो लोग ले सकते हैं। 10 ml है इसमें नेट क्वांटिटी, मैं डबल कोट लगा ले रही हूँ, इतना ठीक है ना, सिंगल कोट तो सूखता नहीं है, डबल कोट ऊपर से लगा लो। कुछ देर के बाद मैं डबल कोट भी लगा ले रही थी, नेल पेंट काफ़ी साइन करता है लगाने के बाद, काफ़ी साइन करता है। कुछ दिन पहले तो मैं वीडियोस ये सब कुछ भी नहीं लेकर के आ रही थी, और आप लोग मेरी वीडियोस देख भी नहीं रहे हो, लग रहा सारे लोग मुझे भूल गए, मैं बीमार थी इसलिए वीडियोस नहीं लेकर के आ रही थी। और उसके बाद मैंने जो भी वीडियोस डाले, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, प्लीज़ सपोर्ट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो वो ज़रूर बताइए, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, ऐसा रिक्वेस्ट भी करिएगा जो मैं पूरा कर सकूँ, रिक्वेस्ट पूरा करने लायक यदि होगा तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी, इसलिए रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा। आलता का रिक्वेस्ट है तो आलता का मैं वीडियो बनाऊंगी, आएगा वीडियो आलता का, मैंने आलता वाला वीडियो बना लिया है।
सिर्फ आप सभी के सामने पेश करना है आलता का वीडियो, बाकी वो बन चुका है। तभी तो मेरे पैरों में पिंक पिंक अभी भी नज़र आ रहा है, हल्का हल्का छूटा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, द आर्च ऑफ ब्यूटी। न्यू आईडी मैंने बनाया है, पुरानी वाली आईडी बंद हो गई है, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कुछ पिक्स मैंने शेयर किए हैं तो आप लोग देख लो, इंस्टाग्राम पे भी मैं पिक्स ये सब रील्स ये सब शेयर करती रहती हूँ, हमेशा अपडेट रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मेरे नए नए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप सभी का साथ रहेगा तो ज़रूर आगे भी बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।